होटल से रिलेटिव मैं उसके लिए फिर लेकर आ रहा हूँ। तो आज सोच रहा हूँ तलिकाल मार्केट में कोई मिल जाए 1500, 2000, 2500 रेट के अलग अलग है वाली है। ये मैं तुम्हें अभी बाद में बताने वाला था मगर अभी बता देता हूँ। यहाँ पर अभी एक गांधी जी की मूर्ति लगने वाली, मगर देखिए यहाँ पर चल रहा है अभी उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त मोर्चा। तो आज इनके वहाँ चलते हैं और भैया का ये है रिसेप्शन काउंटर और 1500 रुपये रेट कह रहा है बड़े भाई। कैसे 1500 पूरी मार्केट यहाँ से यहाँ तक का पूरी दिखेगी और लेक व्यू भी दिखता है थोड़ा बहुत छोर सुविधा है। और देखो यहाँ पर पंखा वगैरह और वॉशरूम। वेलकम बैक अगेन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर रियो ब्लॉग में। फिर से अनदर डे नेक्स्ट वीडियो होटल से रिलेटिव के लिए फिर लेकर आ रहा हूँ। तो आज सोच रहा हूँ तलिकाल मार्केट में कोई मिल जाए बेस्ट और सस्ते रेटों में। मगर सस्ते क्या होता है, नॉर्मली चलते हैं 1000, 1500, 2000, 2500 रेट के अलग अलग है। बट मैं अभी यहाँ पर तलिकाल बाजार में पहुँचा हूँ, डाट से था मगर यहाँ पर काम चल रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर से फिर से एक अभी मूर्ति बनने वाली है, कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी वाली बन रही है मगर अभी रिवील नहीं करूँगा। आने से पहले ये देखिए ये जो एरिया बना रखा ना, यहाँ पर कुछ मूर्ति लगने वाली है। ये मैं तुम्हें अभी बाद में बताने वाला था मगर अभी बता देता हूँ। यहाँ पर अभी एक गांधी जी की मूर्ति लगने वाली है, वो भी चरखे वाली। बट उससे पहले ये देखिए उत्तराखंड में जो रोडवेज वाले हैं वो करने वाले हैं हड़ताल, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो किस रीजन में है। मगर देखिए यहाँ पर चल रहा है अभी उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त मोर्चा। हर किसी ने भाषण दिए है, पता नहीं किस पर्पस में हो रहा है। ये देखिए बोला जा रहा है साथ रेट वगैरह नहीं बन रहा है। एक बार पुनः इस मंच पर बैठे सभी कर्मचारियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और नवरात्रि के दिन ये चल रहा है तो देखिए सर के साथ हम बैठे हैं, माता रानी की कृपा रही तो हमारा ये जो उद्देश्य है ये पूरा होगा। इसी के साथ एक बार पुनः आपको नवरात्रि की बधाई, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये देखिए ये मोर्चे की बात चढ़, मैं चलता हूँ अंदर की ओर और तुम्हें दिखाता हूँ मार्केट के हाल और रेट वगैरह सबके साथ। मार्केट के अंदर जा रहा हूँ और आज तुम्हें एक और रैंडमली ही किसी होटल वगैरह पे ले जाया जाए। अंदर की ओर है, थोड़ा सा चलते देखते, शुरुआत की नहीं दिखाऊंगा लास्ट एंड से दिखाते हुए चलता हूँ। देखो दो होटल तो ये दिख रहे हैं मेरे को, तीन है। देखो एक लैंडमार्क और दूसरा है प्रीता बाजार MJ और तीसरा है वंस रेजिडेंसी रेस्टोरेंट और होटल्स, ये भी हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये जो होटल वगैरह है ये दो के दो तो लगे पड़े होंगे मगर आगे भी लगे पड़े होंगे, मगर कहीं पर कुछ देखने को मतलब अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाए तो और बढ़िया है। मैं सोच रहा चलो आज तुम्हें उदय गेस्ट होम स्टे पर लेके जाया जाए। दिस इज़ द उदय वाला और हमारे भ्राते भी खड़े, भ्राते ये हमारे मोहन भैया, कैसे हैं आप? और ये देखिए उदय होम स्टे तलिताल बाजार। और पहले आपको मिठाई है, ये हमारा उदय गेस्ट हाउस ऊपर तक 3 मंजिली बिल्डिंग भैया। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। अब तो आज इनके वहाँ चलते हैं और भैया का ये है रिसेप्शन काउंटर। देखो कितना सॉलिड बनाया है, खूबसूरत सा है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब है मगर पीछे के रास्ता है। और आपको रूम दिखा देता हूँ भैया, ये रूम का क्या सीन चल रहा है? ₹1500 डबल बेड का। और रूम देख लीजिए, बेस्ट है, नियरेस्ट टू मार्केट है। बाजार से उतर के यानी कि बस स्टेशन से उतर के सीधे मार्केट के अंदर घुसते हो तो उसमें बेड वगैरह। और रूम देखिए कितना छोटा है मगर कंफर्टेबल है। और बाथरूम वगैरह देखने का, ये वॉशरूम बाकी, यार वॉशरूम भी सही बना रखा है एकदम। ये देखिए बाथरूम वगैरह, गीजर वगैरह सब अवेलेबल है। और 1500 रुपये रेट कह रहा है बड़े भाई। कैसे 1500 रुपये सीजन में है? ऑफ सीजन? ऑफ सीजन। और सीजन में कैसे रहता है? सीजन में वही 3,350। अच्छा बढ़ते हैं, मैंने कहा था नहीं अभी कितने भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट के नियरेस्ट है तो चलता है। और दूसरा रूम वहाँ बाहर से कोई गेस्ट आए हुए हैं तो भैया उनको अटेंड करने जा रहे हैं तो इनके साथ ऊपर दो मंजिला स्टोरेज में चलते हैं और दूसरा रूम देख के आते हैं। तो डबल बेड, 4 बेड और ये आपको मिल जाएगा बालकनी वाला। बालकनी वाला, अरे फ्रंट व्यू, मार्केट का फ्रंट व्यू दिख जाएगा, ये बालकनी वाला है। और बालकनी से मार्केट कैसा दिखता है पहले बालकनी दिखा देते हैं। ये है पूरी मार्केट, थोड़ा सा तार बाड़ है मगर पूरी मार्केट यहाँ से यहाँ तक पूरी दिखेगी। और लेक व्यू भी दिखता है थोड़ा बहुत छोर स्टार्टिंग। और मगर रूम देखिए आप, है ना वुडन वाला पूरा का पूरा, डबल बेड प्लस अभी टीवी लगाया नहीं है, अभी नया है, अभी नया ही है। और ये इसी का जस्ट अटैच्ड बाथरूम, कंफर्टेबल है बाथरूम। तो देखो गीजर वगैरह सब मिल जाएगा। और ये सिंगल बेड, अगर कोई एक पर्सन भी आता है उसके लिए सिंगल बेड के लिए भी सुविधा है। और देखो यहाँ पर पंखा वगैरह और वॉशरूम
अरे वाह, वॉशरूम देखिए, वॉशरूम भी बड़ा प्यारा है यार। ये देखिए दोस्तों, सिंगल रूम में भी वॉशरूम इतना प्यारा निकाल रखा है। इसका क्या रेट है सिंगल रूम का? ये है आपका ऑक्सीजन में 1000 रुपये, और सीजन में 1000। सीजन में 1000? सीजन में नहीं, 3000। 3000 सीजन में, ठीक हो गया। और आगे और भी है बाकी इतनी है? और कितने रूम की प्रॉपर्टी है? 8 रूम की है। और 4 बेड भी होगा? 4 बेड है नीचे नीचे। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में। चलो ये लगा है, ये तो देख लिया क्या। नीचे की ओर जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर वाला देख के आते हैं। अभी उसको वो नहीं लगा रहा, थोड़ा वो नहीं लगा रहा, पेंट लगा रहा है। अच्छा, पेंटिंग कर रही है तो देख लेता, करने देखने में जा रहा। अच्छा, पेंट वगैरह पूरा नहीं होगा, मगर है 4 बेड। मगर मार्केट की जस्ट नियरेस्ट है ना, तो बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी। तो ये है 4 बेड डबल स्टोरेज। ये देखिए डबल डेकर टाइप का बना रखा है, ऊपर नीचे आराम से रह सकते हैं भैया। और देखो ये इसका बाथरूम है ना, ये बाथरूम इधर है। सो ये डोर किस लिए है? ये बाहर के लिए था पहले। अच्छा, पहले तो परमानेंट बंद। ये परमानेंट बंद। तो ये देखो बाथरूम भी सेम है, हर किसी के बाथरूम बिल्कुल सेम निकाल रखे हैं, सब चीज़ मिल जाएगा। और ये देखिए कितने अच्छे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्होंने डबल वाला बना रखा है, मस्त करके। लाइटें देख लो आप, क्या मस्त लग रही, मज़ा आ गया भैया। और पीछे वो बस स्टेशन दिख रहा है, बस यहाँ से देख सकते हो कितनी देर में बस आ सकती है। मगर हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा है यार। निकलते फिर से बाहर की ओर को। ये है यहाँ के रूम, और ये भी चालू नहीं कर रखा, ये भी चालू कर रहा है। किचन है? Yes. अच्छा, किचन के लिए अगर तुम ऑर्डर वगैरह करना चाहोगे तो खाना वगैरह यहाँ से मिल जाएगा सून, मगर अभी नहीं। अभी ये चीज़ की अभी सुविधा नहीं है। अभी अभी आपको मिल सकता है खाली चाय मैगी और दूध वगैरह दे देंगे। अगर मार्केट की नियरेस्ट है तो ये चीज तो तुम मार्केट से भी बाई कर सकते हो, मगर अगर मिठाई वगैरह खरीदना चाहोगे सो ये रहा। बाकी मिठाई आगे है, ये देखिए। हाँ, ये देखो ये पहाड़ी जलमोड़ा में सबसे ज्यादा फेमस होती है ना वॉलीबॉल मिठाई, खीम सिंह मोहन सिंह। और ये जो है ये पेड़े है, बेसन के लड्डू। और ये वाली मिठाई रसगुल्ले, ये मैनू पता नहीं, इसका नाम नहीं पता। ये तो मेरे को पता है, खैर सोन पापड़ी। ये समोसे वाली मिठाई, ये बाकी मिठाई की वैरायटी तो आप खुद ही पहचान लोगे। खूबसूरत सा इस्टे लगा मुझे इधर, बहुत अच्छी जगह है। तो मे भी सोन हो सकता है कि अपग्रेडेड हो कुछ और चीज़ भी, तो आप यहाँ आ सकते हो। जस्ट लाइक 100 मीटर फ्रॉम तलिताल बाज़ार, जो बस स्टेशन से उतरते हैं ना तलिताल बाज़ार के बाहर से, वहाँ से 100 मीटर है यहाँ पर तक का। तो आराम से आइए और भैया से जरूर मिलिए, भैया यहाँ पर ही रहते हैं, आराम से यहाँ पर ही मिलेंगे एवरी डे बाहर ही। और यहाँ पर देखो, अगर मिलना चाहोगे तो बाहर से, मैं तो बोर्ड में नंबर दिखाइए आपको, डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं सून अपनी वाली नेक्स्ट वाली वीडियो पर। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज रियो लियो 93.04, या रियो ब्लॉगिंग्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपके लिए ऐसी वीडियो फिर लेके आऊँगा। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड बाय एंड बाय। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। सो बाय।